फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और मैं अभी नहा के निकल चुकी हूँ और अब मैं मेरा स्किन केयर रूटीन करने वाली हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने, सो इसलिए सनस्क्रीन ज़रूरी है। आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी ज़्यादा फ्रेश लग रही है। और कितने जने तो यूँ भी सोच रहे होंगे सनस्क्रीन घर में ही है, लगाने की कहाँ ज़रूरत है। पर गर्ल्स को लगाने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि हम जो होती है वो ऑलमोस्ट टाइम हमारा किचन में बीतता है और किचन में रहती है गर्माहट, तो गर्माहट से हमारी स्किन क्या डैमेज होती है। तो उस वजह से हमको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ब्रांड का यूज़ करो पर लगाना बहुत ज़रूरी है हमारी स्किन के लिए। तो अब मैं आपसे खाना बना के फिर मिलती हूँ। अब मैं हो चुकी हूँ फाइनली फ्री और हम जा रहे हैं शूट पे। और शूट पे जाने से पहले थोड़ी सी जो भी एसेसरी मुझे निकालनी है, ड्रेसअप वगैरह जो भी रखना है आज का, वो सब डिसाइड कर रही हूँ और वो सब पैक कर रही हूँ। और यहाँ पे हमारा कैमरा भी पैक हो रहा है, तो चलिए आपको डायरेक्ट जाके स्टूडियो में ही मिलेंगे। देख लो, देख लो। ओ ओके, कल आपके कमेंट्स आए थे कि डार्क सर्कल्स के लिए और ऑयली स्किन के लिए कुछ बताइए। तो ऑयली स्किन के लिए, एक ऑयली स्किन दो टाइप्स की होती है, एक पिंपल्स के साथ ऑयली स्किन होती है और एक नॉर्मली ऑयली स्किन होती है। जिससे लड़कियों का तो क्या होता है, ऑयली स्किन ज़्यादा होती है उससे मेकअप ठहरता नहीं है, मेन चीज़ ये हो जाती है। और ऑयली स्किन की वजह से पिंपल्स वगैरह ये सब चीज़ें होती है, पर किसी को सिर्फ ऑयली स्किन के साथ पिंपल्स है, किसी को ओनली फॉर ऑयली स्किन है। ये तीन प्रोडक्ट हैं। एक है ये वाव का ही एप्पल सीडर विनेगर फेस वॉश, ये बहुत ही अच्छा है ऑयली स्किन के लिए। और एक ओरियाना में ये पूरा ट्रीटमेंट आता है स्पेशल ऑयल कंट्रोल और एक्ने के लिए। इसमें एक फेस वॉश आता है और एक ये एक्ने डिस्कवर जेल आता है और ये एक डे क्रीम आती है। तो इन तीनों को आप यूज़ करते हैं तो आपको 100% आपका जो भी प्रॉब्लम है वो क्योर हो जाएगा। और एक मिशेल में डार्क सर्कल्स के लिए मुझे पूछा था, तो डार्क सर्कल्स के लिए एक तो आपको कोई भी अच्छा फेस वॉश यूज़ करना है। अगर आप मिशेल का करते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। और एक लाइनलेस आई कॉम्प्लेक्स सीरम है, ये स्पेशल डार्क सर्कल्स के लिए ही है जिनके डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर ये प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो तो आपको 3 से 4 दिन में अपने आप फ़र्क दिखेगा, पर इसको आपको दोनों टाइम लगाना है, सुबह शाम। और आप कोई भी ट्रीटमेंट आपकी स्किन का कर रहे हो, कोई भी यानी कोई भी, तो उसके लिए मस्ट है कि आप सनस्क्रीन यूज़ करें, क्योंकि सनस्क्रीन हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि हम कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उससे क्या होता है ना कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, क्योंकि वो रिकवर हो रही होती है। तो रिकवर हो रही होती है तो उसमें अब लेडीज़ का क्या रहता है, वो किचन में रहती हैं, उस वजह से हमारे पोर्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, उसमें उससे डर्ट जाता है। तो डर्ट जाता है तो वो जो हमारा रिकवर हो रहा है वो अच्छे से हो ही नहीं पाता, इसलिए हमको सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए। सनस्क्रीन आप मिशेल का भी यूज़ कर सकते हो, मेरा पर्सनली फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छे सूट होता है ये और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ये सनस्क्रीन प्लस मॉइस्चराइज़र है, इसका रिव्यू मैंने मेरे चैनल पर दे रखा है, आप देख लीजिएगा, स्पेशल इस पर मैंने वीडियो बनाई थी। और एक है ये वाव के सनस्क्रीन, एक स्प्रे फॉर्म में आता है और पंप में आता है। तो सनस्क्रीन यूज़ करना मस्ट है, कुछ भी करो, आपकी स्किन तो ही अच्छे से रिकवर होगी। आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो, सनस्क्रीन यूज़ नहीं कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं आपको फ़र्क दिखेगा। अगर हो भी रहा है तो वो लेट होगा, सनस्क्रीन के साथ करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर और कुछ आपको इसके बारे में पूछना हो तो मुझे फिर से आप डायरेक्ट इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे आप कमेंट कर रहे थे इसलिए मैंने इस बारे में आपको बताया। और ये प्रोडक्ट अगर आपको परचेस करने हो तो आप शॉप करो कि एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हो, वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे। अगर आपको और भी कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, शॉप करो का जो इंस्टाग्राम है उस पर डीएम कर सकते हो, और शॉप करो के जो नंबर है उस पर आप डायरेक्ट व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हो, तो आपको हम ये सेंड कर देंगे अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो।
तो मैंने बता दिया है आपको आपकी स्किन की प्रॉब्लम जो है उससे रिलेटेड, और भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हो, तो मैं और भी आपको बताऊंगी कुछ और प्रॉब्लम हो तो। और अब मैं चलती हूँ वीडियो बनाने के लिए। स्पेशल ये थोड़ा सा टाइम मैंने आपके लिए निकाला था क्योंकि आपने मुझे कमेंट किया था इसलिए। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने मेरा शूट कंप्लीट कर लिया है और आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी और ये लुक बहुत अच्छा लगा था। और मैंने मेरे सारे ब्रशेस आपको दिखाती हूँ, मैंने मेरे सारे ब्रशेस वॉश करने के लिए रख दिए हैं। आई थिंक मैं कल या फिर परसों इन ब्रशेस को वॉश करूँगी, जब भी टाइम मिला मैं व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। और अब सारा ही सामान जो है मैं समेट रही हूँ और अभी मैं कुछ इंटरेस्टिंग करने वाली हूँ और वो है, बहुत टाइम हो गया एक्चुअली, बहुत क्या टाइम हो गया, 2 महीने हो गए मैंने मेरी ट्रिमिंग नहीं ली है हेयर्स की, तो मुझे लग रहा है मेरी हेयर ग्रोथ थोड़ी सी रुक गई है। अब स्ट्रेट ट्रिमिंग लेनी है, सो मेरा करना थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो मैं चेक करती हूँ और मैं बोलूँगी मेरे हस्बैंड को कि मेरे हेयर को कट कर दो, उनका क्या रिएक्शन रहता है, वो क्या आंसर करते हैं, वो देखते हैं। चलो फटाफट से ये सब समेट के हम चलते हैं रूमा मेकअप स्टूडियो में और वहाँ पर उनको बोलेंगे कि हमारे हेयर कट कर दो ऐसा, और मुझे लगता है अच्छा ही करेंगे क्योंकि उनके सभी कामों में इतनी परफेक्शन होती है। इवन मेरे जो भी यानी यूट्यूब के शूट्स होते हैं उनके फ़ोटोज़ वही क्लिक करते हैं और वो ही एडिट करते हैं और उनकी एडिटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, एक नंबर। यानी सच में काफ़ी मेहनत करते हैं मेरे पीछे और मेरे फ़ोटोज़ के पीछे, तो कुछ मेहनत और भी करवाई जाए और देखते हैं हेयर कट करने के लिए वो अपन को क्या कहते हैं। हेयर कट करवाने से पहले एक बार मैं पानी पी लेती हूँ। चिकू क्या कर रहे हो? अरे मेरा एक काम था, मेरे हेयर कट करने कर दोगे? कर देंगे। सच्ची में अच्छे करोगे? यानी करना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट हेयर को स्ट्रेट ही कट करना है। कर देंगे। ठीक है चलो पक्का। हाँ। चलो अब देखते हैं कैसे कट करते हैं। हाँ। कुछ नहीं करना, थोड़े से कट करना, नहीं यार ऐसे नहीं, गले में पहनो ना, ये गले में डालो। हाँ देखती नहीं हूँ, मेरी नाक रखना ठीक है ना, देख देख के ठीक है। और थोड़ा सा ये एप्रिन टाइट कर दो पीछे से, अभी लॉकडाउन में बंद हो जाएगा, कब तक ठीक है, बस आगे जाने जाना चाहिए, मैं जाके खाना खाऊंगी, खाना पकाने से ये पीछे तुम्हें तुमको से पीछे से खाना करना है, और लॉकडाउन में थोड़ा टाइट करना छोटा ना। सीजर ध्यान से यूज करना है ना, उंगली नहीं कट जाए, बस ये ध्यान रखना। कंघा तुम सही है ना? हाँ ये लेना। अब मैं आपको बीच में मांग निकाल के देती हूँ। ये चल ही नहीं रही है। ऐसे पकड़ो, मैं दिखा रही हूँ, है ना कैची अलग ही, फिर मैं किसी को कैसे दूँ? वो सब नहीं है।
मेरे बाल कट चुके हैं और बहुत ही अच्छे काटे, जैसे मैंने बोला वैसे प्रॉपर काटे। तो अब मैं यहाँ पर व्लॉग का कर रही हूँ एंड, क्योंकि हमको अब जाना है घर और बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, 6:30 बज चुकी हैं और जाके अभी खाना बनाना है। अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।